अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन गिवन कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, कांग्रुएंट ट्राइंगल कौन कौन सी है, एल एम ओ और एंड एल एन ओ, और हमने फाइंड क्या करना है। ये ट्राइंगल में देख सकते हैं एल एम ओ एल एन ओ दोनों ट्राइंगल है कांग्रुएंट, और फाइंड अननोन एक्स एंड एम, तो एक्स और एम हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए इसको हम पहले पेज पे लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमने पेज पे लिख लिया एल एम ओ और एल एन ओ, तो ये दोनों कांग्रुएंट हैं। तो अब ये उन्होंने पहले कहा हुआ है हमारे पास कि वो एल एम और एल एन जो है वो कांग्रुएंट है, क्योंकि उनके ऊपर लाइन लगी हुई है। तो ये हमें पता है कि एज वी नो ट्राइंगल एल एम ओ कांग्रुएंट है एल एन ओ, ट्राइंगल एल एम ओ कांग्रुएंट ट्राइंगल एल एन ओ। तो ये ट्राइंगल सिंबल एक तरफ लगा दें तो ठीक है, दोनों तरफ भी लगा दें तब भी ठीक है। तो अब आ गया एल एम जो साइड है वो कांग्रुएंट आएगी एल एन साइड की, एल एम साइड क्या आएगी कांग्रुएंट एल एन साइड की। तो आगे रीजन क्या आएगी हमारे पास, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स, कौन सी साइड, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग साइड रीजन आ गई, आगे हम एल ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल में आना था। तो उसमें आ गया हमारे पास 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 18, और ये आ गया 2x इज इक्वल टू 18 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 2x इज इक्वल टू आ गया 12 और x इज इक्वल टू हमारे पास 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब हमने जो है वो फाइंड करना है नेक्स्ट जो था m, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था m। तो उसके लिए हमें पता है कि जो दूसरी साइड है वो भी हमारे पास इक्वल है, वो क्या है कि एल ओ जो है वो परपेंडिकुलर किस के ऊपर है, वो परपेंडिकुलर है एम एन के ऊपर। तो इसका मतलब है कि एल एम जो इसमें आएगा एम ओ एक कांग्रुएंट आएगा ओ एन के, कांग्रुएंट किसके आएगा ओ एन के। जब वैल्यू पुट हो जाती है तो ये कांग्रुएंट का सिंबल खत्म हो जाता है, इक्वल वाला आ जाता है। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू थी एम की, और ये इक्वल टू 12 की। तो ये एम की वैल्यू भी देख लें आ गई और एक्स की भी आ गई। इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। होप कि आप लोगों को ये तरीका समझ आ गया होगा जो हमने करवाया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।